दोस्तों किसी भी वेबसाइट में आप वर्क फ्रॉम होम काम करने के लिए जब भी कभी रजिस्टर करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो, आप वहां पे कितनी कमाई कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जिस वेबसाइट के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उस वेबसाइट में आप अर्निंग कितनी कर रहे हैं ना वो सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं प्राइसेस नॉर्मली वेरी बिटवीन 1 to 3 cents इन यूरोस पर वर्ड डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। ठीक है, आप यहाँ पे पर वर्ड 1 to 3 cents कमा रहे हैं, बराबर। ये तो बहुत ही कम है 1 to 3 cents पर, ये यूरोस में है। अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो देखें दोस्तों कितना हो जाता है। यूरो की कीमत है 90 रुपए इंडियन रुपीज में। अगर हम 0.01 सेंट अगर कमा रहे हैं तो कितना होता है, देखें दोस्तों 0.01 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 90 पैसे आपकी कमाई हो जाती है एक वर्ड के ऊपर। अगर आप यहाँ पे 3 सेंट कमा लेते हैं, 3 सेंट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे अर्निंग देखिए दोस्तों कितनी हो जाती है, लगभग 2.73 रुपीज़, मतलब कि आपको लगभग 2 से 3 रुपए मिल जाते हैं एक वर्ड के ऊपर। और यहाँ पे आपको काम क्या करना है, सिंपल, आपको यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग का काम करना है और आर्टिकल ट्रांसलेशन का काम करना है, मतलब कि आपको यहाँ पे 2 जॉब्स मिल जाती है। अगर आप सिंगल यहाँ पे रजिस्टर करते हो तो आपको एक ही वेबसाइट में दोनों जॉब्स अवेलेबल हो जाती है, जहाँ पर आप आर्टिकल राइटिंग करके भी अर्निंग कर सकते हो। और अगर आपको राइटिंग करने नहीं आती तो कोई जरूरत नहीं है आपको आर्टिकल राइट करने का, आप यहाँ पे आर्टिकल्स को ट्रांसलेट करके भी अर्निंग कर सकते हो। और दोनों काम जो है ना आप ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो दोस्तों आपको भी एक ऐसे जॉब की जरूरत है जहां पर आप वर्क फ्रॉम होम किसी एक वेबसाइट में रजिस्टर करके एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है जिसका नाम है टॉप कॉन्टेंट। इस वेबसाइट में सिंपली आपको आर्टिकल राइटिंग और आर्टिकल ट्रांसलेशन का काम जो है ना अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों काम करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। आपकी उम्र सिर्फ 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, मेल फीमेल रिटायर्ड पर्सन कोई भी यहां पे रजिस्टर कर सकता है, यहां पे कोई चार्ज नहीं रहता है। मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा कि कैसे आपको यहां पे रजिस्टर करना होता है। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा असेसमेंट टेस्ट जो है ना उसको कंप्लीट करना है। वो किस तरीके से कंप्लीट करना है वो भी आज के इस वीडियो में रहेगा, तो वीडियो में जरूर बने रहिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। जिनके पास अपना काम कंप्लीट करने के बाद या फिर अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा समय बच जाता है, उस समय में आप एक पार्ट टाइम में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है ना मिल रही है आपको। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आपको इस वेबसाइट में रजिस्टर करना है तो बिल्कुल भी फ्री में आप रजिस्टर कर सकते हो। असेसमेंट टेस्ट कैसे कंप्लीट करना है वो भी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में रहेगी। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए तो चलिए आज की जॉब के बारे में सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट है जहां पर आपको आर्टिकल राइटिंग या फिर ट्रांसलेशन का काम करके अर्निंग करनी है। ठीक है, यहां पे आपको दोनों जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगे जैसे आप यहां पे रजिस्टर करते हो तो। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कंटेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का जो कंपनी है ना यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, जहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनी जो है ना ये काम प्रोवाइड करती है इस वेबसाइट के अंदर। इस वेबसाइट का नाम है topcontent.com। यहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया जाता है, उसको ट्रांसलेट करने का काम किया जाता है। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करके आप खुद भी सारी जानकारी जो है ना वो ले सकते हो। फिर भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में इस वेबसाइट की पूरी डिटेल दे दूंगा कैसे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में देखें दोस्तों एक टेस्ट जो है ना वो कंप्लीट करना होता है, वो टेस्ट भी कैसे कंप्लीट करना है ना वो भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूंगा। प्लस अगर आपको आर्टिकल राइटिंग करने नहीं आती है तो किस तरीके से किया जाता है ना उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, और हाँ, ट्रांसलेशन का काम भी बहुत ही सिंपल होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन टूल्स को इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन का काम जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, कंपनी की बात करते देखो तो आपको ट्रस्ट पैलेट में अगर आप इस कंपनी का जो रिव्यू चेक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कंपनी बहुत ही अच्छी है। देखिए दोस्तों ट्रस्ट पैलेट में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और कंपनी का जो URL है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और ट्रस्ट पैलेट में सिंपली यहाँ पे पेस्ट करके कंपनी का रिव्यू जो है ना वो सबसे पहले देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कंपनी यहाँ पे देखिए तो क्लेम प्रोफाइल यहाँ पे बताई जा रही है, मतलब कि एक जीनियन कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी काम करोगे उसका आपको यहाँ पे अर्निंग जो होगा ना वो विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, टॉप कॉन्टेंट ऑलरेडी यहाँ पे 48 रिव्यूज यहाँ पे दिए गए हैं, 5-स्टार रेटिंग 59% और 4-स्टार रेटिंग जो है ना वो 6% है, मतलब कि लगभग 60% से ऊपर यहाँ पे अच्छी रेटिंग प्रोवाइडेड की गई है। सबसे पहले आपको जब भी आप यहाँ पे रिव्यू चेक करते हो ना तो आपको सिंपली चेक करना है कि कंपनी प्रोफाइल जो है ना वो क्लेम है कि नहीं है, इतना ही आपको काफी हो जाता है कंपनी का ट्रस्ट लेने के लिए। ठीक है, तो कंपनी ट्रस्टेड है, काम कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम कर सकते हो, आर्टिकल राइटिंग करने का काम कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन, वेबसाइट ट्रांसलेशन, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग, कैटेगरीज का जो टेक्स्ट रहता है वो उसका राइटिंग करना होता है, प्रोडक्ट रिव्यूज, ब्रांड टेक्स्ट,
ट्रैवल कंटेंट, कैसीनो रिव्यूज, गेम ओवरव्यूज और आई गेमिंग कंटेंट। तो इसके बारे में और भी जानकारी आप ले सकते हो। देखिए इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी फ्री है। अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इस कंपनी में एक्चुअल में काम किस तरीके से होता है। आप यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर राइटर यहाँ पे रजिस्टर करते हो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो भी यूजर है जिसको आर्टिकल राइटिंग करके चाहिए, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग करके चाहिए या फिर अपने वेबसाइट के लिए कुछ कॉन्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे वो रजिस्टर करता है। देखिए दोस्तों, हाउ टू बाय वेब कंटेंट फ्रॉम अस, मतलब इस वेबसाइट से आप कॉन्टेंट किस तरीके से बाय कर सकते हो वो यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्ट अ लैंग्वेज फॉर योर आर्टिकल, एड आर्टिकल, सिलेक्ट टॉपिक एंड क्वालिटी लेवल और पे एंड ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़र करेगा आपसे कंटेंट लेने के लिए। जैसे यूज़र अपना कंटेंट जो है ना, जैसे यूज़र अपना रिक्वेस्ट जो है ना वो डाल देता है यहाँ पे, तो वो रिक्वेस्ट आपको दिख जाता है कि मतलब कि एक यूज़र है जिसको एक आर्टिकल राइट करके चाहिए, और वो वहाँ पे ऑर्डर भी डाल देता है कि कितने पैसे वो पे करना चाहता है उस आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो आपको जैसे वो ऑर्डर दिख जाता है, उस ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे एज अ फ्रीलांसर, और उसके ऊपर आप राइटिंग करेंगे, और राइटिंग करने के बाद आपको पर वर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। और अर्निंग जो है ना आपको यहाँ पे 0.1 सेंट से लेकर 0.3 सेंट तक की होने वाली है, और इस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है ना जो भी अर्निंग होती है आप पेपल के माध्यम से उसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस वेबसाइट में सिंपली जो यूजर्स रहते हैं, क्लाइंट कंपनीज रहती है, वो अपने टास्क जो है ना यहाँ पे अवेलेबल कर देते हैं, और उन टास्क के ऊपर आपको काम करना होता है। सिंपल यहाँ पे काम रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सीधे तौर पर बोला गया है, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नीडेड एज लॉन्ग एज योर राइटिंग इज प्रेटी मच परफेक्ट। तो किसी भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। ऑफकोर्स यू मस्ट एंजॉय राइटिंग एंड रिसर्चिंग अबाउट द टॉपिक्स यू विल नीड टू राइट अबाउट, ठीक है। तो सिंपली आपको आर्टिकल राइटिंग करने आनी चाहिए। देखिए अगर आपको आर्टिकल राइटिंग करने नहीं आते तो सिंपल मैं टेक्निक आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले जाना है चैट जीपीटी में। मैं आपके यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ, इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाया कि कैसे आपको आर्टिकल राइटिंग करनी है, मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। देखिए आपको सिंपली आर्टिकल राइटिंग करनी है तो किसी भी टॉपिक को आपको यहाँ पे समझ लेना है। सबसे पहले उस टॉपिक को गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे सर्च करने के बाद कोई भी एक आर्टिकल जो है ना उस टॉपिक के रिलेटेड आप ओपन करिए। उस आर्टिकल को ओपन करने के बाद जो भी आपको हेडलाइंस दिख रही है उन हेडलाइंस को सिंपली आपको कॉपी करना है। उस हेडलाइंस को कॉपी करने के बाद आपको सिंपली चैट जीपीटी में जाना है, उन हेडलाइंस को आपको पेस्ट कर देना है। हेडलाइंस को जैसे आप पेस्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड में आपको एक अलग से जो है ना टॉपिक क्रिएट हो जाएगा, एक अलग से आपको पैराग्राफ जो है ना वो मिल जाएगा। उस पैराग्राफ को आपको यूज़ करना है कॉपी करके, आपको स्पिन वर्ड का इस्तेमाल करके उस आर्टिकल को स्पिन कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके से आप हर एक हेडलाइन को कॉपी करके आप पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, उसको स्पिन कर देंगे, और एक आपका अलग से एक आर्टिकल जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। उस आर्टिकल को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो विदाउट एनी कॉपीराइट इश्यूज, ठीक है। इस तरीके से आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको आर्टिकल ट्रांसलेशन का काम अगर यहाँ पे करना है तो सिंपली आर्टिकल ट्रांसलेशन का काम जो है ना आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से कर सकते हो। किसी भी लैंग्वेज को आपको ट्रांसलेट करना है तो उसके आपको पैराग्राफ को कॉपी कर लेना है। सिंपली आपको यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट जो है ना गूगल ट्रांसलेट में जाना है, और आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम जो है ना वो ले सकते हो कंप्लीट करके। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है, किसी भी लैंग्वेज को आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे तो लेफ्ट साइड में तो लैंग्वेज डिटेक्ट हो जाती है। उसके बाद किसी भी लैंग्वेज आपको कन्वर्ट करना है तो वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ, हिंदी सिलेक्ट करने पर यहाँ पे देखिए दोस्तों इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो कन्वर्ट हुआ है उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी, बराबर। तो उन गलतियों को आपको सुधारना है किस तरीके से, देखिए दोस्तों ये जो हिंदी में लिखा गया है इसमें कुछ भी अगर चेंजेस आपको करने हैं तो सिंपली आपको उसको कॉपी कर लेना है। किस तरीके से करेंगे कॉपी, यहाँ पे आपको कॉपी के ऊपर क्लिक करना है, कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है दोस्तों हिंदी टाइपिंग करके, इस वेबसाइट का नाम है indiatyping.com। इस वेबसाइट में सिंपली आपने जो भी कॉपी किया है ना सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करने ना वो कर सकते हो बड़ी आसानी से। मैं यहाँ पे सिंपली चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखो आपने मुझे यहाँ पे सिंपली टाइप करना है, जैसे कि मैं व्हाट्सएप में टाइप करता हूँ वो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सो जिसमें आपने लिखा, देखिए लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या किया सिंपली इंग्लिश में ही लिख दिया जैसे कि मैं व्हाट्सअप में लिखता हूँ, और वो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से अगर कुछ भी यहाँ पे देखते हो जो भी आप ट्रांसलेट करते हो उसमें कोई भी गलती है तो सुधार सकते हो, और सुधारने के बाद आपको सिंपली ये कॉपी कर लेना है और जहाँ पे आपको काम करना है वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप सिंपली ट्रांसलेशन का काम जो है ना ये गूगल के टूल्स को इस्तेमाल करके कर सकते हो बड़ी आसानी से, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको राइटिंग करनी होती है कसीने के रिव्यूज़ में, स्पोर्ट्स रिव्यूज़ या फिर स्पोर्ट्स के कंटेंट के ऊपर राइटिंग करनी है, ऑनलाइन गेमिंग्स के,
ट्रैवल्स एंड हेल्थ एंड फूड एंड ड्रिंक्स के ऊपर बहुत सारा आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो जाता है जिसके ऊपर राइटिंग करके आपको अर्निंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले अभी हम यहाँ पे रजिस्टर कैसे करते हैं ना वो देख लेते हैं। स्टार्ट राइटिंग के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और रजिस्टर के जो फॉर्म है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और क्रिएट पासवर्ड ये है ना ये डाल देना है। ठीक है, ये डालने के बाद आपको यहाँ पे फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्लाइंट या फिर एफिलिएट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जो आगे का प्रोसेस है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया हुआ है जिसको मैं आपको एक छोटे से वीडियो में दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे साइन अप करना है और एक छोटा सा असेसमेंट टेस्ट रहेगा जिसको आपको सिंपली गूगल सर्च करके ही कंप्लीट करना है। वो कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है जिसको आप वॉचअप करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका इसको कंप्लीट करने का एक छोटा सा वीडियो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर पहले एक वीडियो बनाया हुआ था, वो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ और नेक्स्ट साइन अप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे एक मेल आ जाएगा जिसमें एक्टिवेशन लिंक होगा। ठीक है, प्लीज कंफर्म योर ईमेल, ये मुझे मेल आ चुका है। यहाँ पे मुझे वेरिफिकेशन का लिंक जो है वो आ चुका है, कंफर्म ईमेल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ये URL जो है वो अलग है, इसके लिए ऐसा मैसेज आता है तो आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कंप्लीट साइन अप प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश इंडिया करके यहाँ पे है वो आपको सिलेक्ट करना है। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो इस वेबसाइट के बारे में आपको कहाँ से पता चला, तो आप यहाँ पे गूगल सर्च लिख सकते हैं। अगर यूट्यूब का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो सिंपली आप गूगल सर्च को ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, व्हाट आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फॉर यू, तो देखिए दोस्तों आप इन टॉपिक्स में से कौन से वाले टॉपिक्स के ऊपर लिखना चाहते हो तो उन टॉपिक्स को आपको सिलेक्ट करना है। तो जितने भी ज्यादा आप यहाँ पे टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो उतने कर लीजिए। उसके बाद डू यू हियर बाय क्लेरिफाई, तो यहाँ पे आपको यस कंसेंट है इसके ऊपर आपको यस पे ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, डू यू अंडरस्टैंड दैट यू विल बी टोटली ऑटोनोमस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इन द टॉप कंटेंट सिस्टम, तो यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो क्या, आप अग्री हो गया, इसके ऊपर आपको यस के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये पूरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, थैंक यू फॉर साइनिंग अप विद द टॉप कंटेंट, बिफोर यू गेट स्टार्टेड वी जस्ट नीड यू टू टेक दिस क्विक इंग्लिश इंडिया टेस्ट, तो आपका यहाँ पे इंग्लिश पे टेस्ट होने वाला है जो 20 मिनट का टेस्ट जो है ना यहाँ पे चलेगा। 20 मिनट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उनके आंसर्स आपको सही से देने हैं जीनियनली और सबमिट करना है। ठीक है, उसके आधार पे ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस होने वाला है। अगर आप वहाँ पे फेल होते हो तो आपको फिर से एक बार चांस नहीं मिलेगा, तो वन एंड लास्ट चांस रहेगा इस टेस्ट को पास करने के लिए। वो टेस्ट कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ और उसमें के जो क्वेश्चन है उनको कैसे आपको सॉल्व करना है ना वो भी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए 20 मिनट का पूरा टेस्ट तो मैं यहाँ पे नहीं कंप्लीट करने वाला, पर आपके लिए यहाँ पे दो चार क्वेश्चन है उनके आंसर्स कैसे देने वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, तो एक बार देख ही लीजिए। ठीक है, स्टार्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे वेटिंग आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे 19। देखिए दोस्तों, टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द टू सेंटेंस बिलो शोज करेक्ट इंग्लिश वर्ड ऑर्डर, तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए, इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को मुझे सिलेक्ट करना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। सही रहेगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो इससे आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक आपको सुझाव देता हूँ, सिंपली आप क्या करिए, आपको ये आंसर अगर नहीं आ रहा है ना तो सिंपली आप इसको कॉपी कर लीजिए। सिंपल कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे और इसको मैं करता हूँ गूगल पे पेस्ट, सिंपल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपली मैंने गूगल पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। वहाँ पे देखिए दोस्तों, डिड यू मीन कह के आ रहा है, विच ऑफ द टू सेंटेंसेस बिलो शोज करेक्ट इंग्लिश, इसका आंसर जो है ना वो आ चुका है। देखिए आंसर में आई क्विकली कुक माई लंच करके ये आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो brainly.in इस वेबसाइट में इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली गूगल पे इसको डाल देंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी रहती हैं जहाँ पर ऑलरेडी इन क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो है आई क्विकली कुक माई लंच करके है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे देखूंगा आई क्विकली कुक माई लंच करके, ये फर्स्ट वाला है जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करने के पहले ही वो ओके हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही करके आपको 20 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर्स देने हैं और उसके बाद ये टेस्ट जो है आपका वो खत्म हो जाएगा, ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कितने आपने क्वेश्चन सही दिए हैं, कितने गलत दिए हैं, और उसके बाद ये पूरा जो चीज़ है ना आपका डिटेल्स और ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स ये पूरा रिव्यू होगा, फिर रिव्यू टीम सोचेगी कि आप इस जॉब के लिए सही कैंडिडेट है या नहीं है। ठीक है, अगर आप सही कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा, पूरी डिटेल दी जाएगी और एक यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाएगा इस वेबसाइट में लॉगिन करके उस पैनल पे काम करने का। आपको सीधे तौर पे बहुत सारे कंटेंट जो है ना इस वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप राइटिंग कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन से वाले कंटेंट पे आपको लिखना है और कितना लिखना है। ठीक है,
हर एक वर्ड के ऊपर आप नॉर्मली ₹1 से लेकर ₹3 की अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। 20 मिनट का टेस्ट रहेगा, जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के उसको देना है। क्वेश्चन के आंसर कैसे ढूंढना है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो जिस किसी को वर्क फ्रॉम होम टाइपिंग का जॉब करके अर्निंग करनी है ना, तो वो सभी लोग यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपका यहाँ पे चांस बन जाता है तो आप एक वर्ड के ऊपर ₹1 से लेकर ₹3 की अर्निंग कर सकते हो बड़ी आसानी से। जिनको राइटिंग का शौक है वो सभी लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट के बारे में सारी जानकारी जो है ना मैंने आपको यहाँ पे दे दी है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन है इस वेबसाइट के रिलेटेड या फिर इस काम के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको यहाँ पे टाइम निकाल के दे ही दूंगा, ठीक है।